नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि शिवसेना के बागी विधायक 50-50 करोड़ रुपए में बिके हैं। तो सियासी संकट के बीच शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है। उन्हें 28 जून को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं एकनाथ शिंदे ने मुंबई बम विस्फोट के दोषियों दाऊद इब्राहिम और निर्दोष लोगों की जान लेने के जिम्मेदार लोगों का कथित रूप से समर्थन करने के लिए शिवसेना की आलोचना की है। इस बीच रणनीतिकार मानते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी का आधार फिर से बनाना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कठिन काम होगा। तो उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बागी विधायक एकनाथ शिंदे की ओर से नीरज किशन कौल ने कहा, हमें धमकाया जा रहा है, कह रहे हैं कि शव वापस आएंगे, मुंबई में माहौल हमारे लिए ठीक नहीं। प्रदेश की इन 5 बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहरा गया है। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने शिवसेना के बागियों से निपटने के लिए हर तरफ से मोर्चा खोल दिया है। वहीं शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बागी विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया है कि शिवसेना के बागी विधायक 50-50 करोड़ रुपए में बिके हैं। ये लोकतंत्र के लिए कलंक है। इसके साथ ही बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला है। सामना के संपादकीय में लिखा है कि आखिरकार गुवाहाटी प्रकरण में बीजेपी की धोती खुल गई। शिवसेना विधायकों की बगावत उनका अंदरूनी मामला है, ऐसा ये लोग दिन दहाड़े कह रहे थे। परंतु कहा जा रहा है कि वडोदरा में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की अंधेरे में गुप्त मीटिंग हुई। उस मुलाकात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। उसके बाद फौरन ही 15 भागी विधायकों को केंद्र सरकार की ओर से वाई श्रेणी की विशेष सुरक्षा प्रदान करने का आदेश जारी किया गया। सामना में आगे है, ये 15 विधायक मतलब मानो लोकतंत्र आजादी के रखवाले हैं, इसलिए इनके बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, ऐसा केंद्र को लगता है क्या? असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल अथवा बिग बुल है। ये लोकतंत्र को लगा कलंक ही है। उस कलंक को सुरक्षित रखने के लिए ये क्या उठा पटक है? इतना तय है कि महाराष्ट्र के सियासी लोकनाट्य में केंद्र की डफली तंबूरे वाले कूद पड़े हैं और राज्य के नचनीय विधायक उनकी ताल पर नाच रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है। उन्हें 28 जून को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउत को पत्राचौल जमीन घोटाले के केस में समन भेजा गया है। संजय राउत को समन भेजे जाने पर शिवसेना ने सवाल उठाया है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एजेंसी ने भाजपा के प्रति अपनी परम भक्ति का उदाहरण पेश किया है, इसी के तहत उन्हें समन जारी किया गया है। यही नहीं, टीएमसी का भी रिएक्शन आया है और पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए संजय राउत को ईडी ने नोटिस दिया है। संजय राउत को नोटिस के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। पहले भी शिवसेना केंद्र सरकार पर एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाती रही है। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर से वह इसे राजनीतिक कार्रवाई बता सकती है। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से बगावत के पूरे एपिसोड में संजय राउत बेहद मुखर रहे हैं और बागी विधायकों पर हमला बोलते रहे हैं। यही नहीं, वह तो शिवसेना के बागियों को मुंबई आने तक की चुनौती देते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शिवसैनिकों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है और वे सड़कों पर उतरे तो कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने मुंबई बम विस्फोट के दोषियों दाऊद इब्राहिम और निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार लोगों का कथित रूप से समर्थन करने के लिए शिवसेना की आलोचना की है। उनका निशाना एनसीपी को लेकर था। शिंदे ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका मुंबई बम विस्फोट के दोषियों दाऊद इब्राहिम और मुंबई के निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार लोगों से सीधा संबंध था, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि बागी विधायक हिंदुत्व की विचारधारा का पालन करने के लिए मरने के बाद भी इसे अपनी नियति मानेंगे। हिंदुत्व की विचारधारा का पालन करने के लिए भले ही हमें मरना पड़े, लेकिन हम इसे अपनी नियति मानेंगे। उनकी टिप्पणी शिवसेना विधायक संजय राउत द्वारा बागी विधायकों को जीवित लाश कहने के बाद आई। राउत ने कहा था कि गुवाहाटी में 40 विधायक जिंदा लाश है, उनकी आत्माएं मर चुकी है। उनके शरीर वापस आने पर पोस्टमार्टम के लिए सीधे विधानसभा भेजे जाएंगे। वे जानते हैं कि यहाँ लगी आग में क्या हो सकता है। इस बीच खबर है कि शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से 2 बार फोन पर बात की। इस दौरान राज्य की हालिया राजनीतिक स्थिति के अलावा शिंदे ने उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली।
बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों को देखने से पता चलता है कि शिवसेना के भीतर बागी नेता का जुड़ाव कितना मजबूत है और उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए कितना प्रयास करना होगा। शिवसेना के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के लिए मुख्य चिंता यह है कि अधिकांश विद्रोही न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक ताकत है बल्कि जिलों में पार्टी को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से कई विधायक कम से कम 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। स्थानीय कार्यकर्ता ठाकरे के साथ संबंधों में खटास आने पर भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। इनमें से कई बागियों ने अपने क्षेत्रों में शिवसेना को मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी का आधार फिर से बनाना मुख्यमंत्री के लिए कठिन काम होगा। शिवसेना के गढ़ औरंगाबाद के निर्वाचित प्रतिनिधि शिंदे के साथ है। शिवसेना के गढ़ लगभग पूरे कोकण क्षेत्र के विधायक भी उनका समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना के एक सदस्य ने कहा कि बागी विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से गहरा संबंध है और वे स्थानीय कार्यकर्ताओं और मातोश्री के बीच एक सेतु थे। इसके अलावा इन क्षेत्रों में इन विधायकों के उदय के साथ शिवसेना का विकास हुआ है। इन नेताओं को मानने वालों की मजबूत संख्या है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश पवार का मानना है कि विद्रोह ने शिवसेना को नए नेताओं को तैयार करने का मौका दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एक नोटिस जारी कर शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट के विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बागी विधायकों का तर्क है कि शिवसेना विधायक दल के 2/3 से ज़्यादा सदस्य हमारा समर्थन करते हैं। यह जानने के बाद भी डिप्टी स्पीकर ने 21 जून को पार्टी के विधायक दल का नया नेता नियुक्त कर दिया। एक याचिका में विधायकों ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। बागी विधायकों का कहना है कि शिवसेना नेताओं की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है, ऐसे में उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। दूसरे पक्ष शिवसेना ने न केवल उनके घर परिवार से सुरक्षा वापस ले ली है बल्कि बार बार पार्टी कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। याचिकाकर्ता के कुछ सहयोगियों की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। विधायकों की याचिका में कहा गया है कि हमने अभी शिवसेना की सदस्यता नहीं छोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीएस पादरीवाला की बेंच ने पूछा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर शिंदे की ओर से नीरज किशन कौल ने कहा, हमें धमकाया जा रहा है, कह रहे हैं कि शव वापस आएंगे, मुंबई में माहौल हमारे लिए ठीक नहीं। राजस्थान के पाली में पिता को साथ रखने को लेकर दो भाइयों में झगड़ा हो गया। समझाने की कोशिश कर रहे बुजुर्ग पिता पर एक बेटे ने डीजल उड़ल कर आग लगा दी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठाकुर बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में है। वही राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने संसद भवन पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं को बर्बाद कर देगी, उनकी शादी भी नहीं होगी। तो उधर जल्द ही राजस्थान से निकलने वाले हाईवे हाईटेक होने वाले हैं, इन पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम लागू होने वाला है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान के पाली में एक बेटे ने पिता पर डीजल उड़ेलकर आग लगा दी। बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बेटे लड़ रहे थे, ऐसे में पिता बीच बचाव करने गए। इसी दौरान गुस्साए बड़े बेटे ने पिता पर डीजल छिड़क कर आग लगा दी। जानकारी के अनुसार दोनों बेटों ने पहले पिता के साथ बैठकर शराब पी। इस दौरान पिता को साथ रखने को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। यह देख उनके पिता ने बेटों को छुड़ाने का प्रयास किया। ऐसे में झगड़े के बीच पिता के आने से गुस्साए बड़े बेटे ने घर में रखा डीजल पिता पर उड़ेल दिया और आग लगा दी। मौके पर मौजूद परिजनों ने आनन-फानन में आग बुझाया, लेकिन तब तक बुजुर्ग व्यक्ति का पेट और पैर काफी जल चुका था, जिसके बाद परिजन बुजुर्ग को सोजत हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पाली रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना बुटेलाव गांव की है। गांव के लोगों ने बताया कि 25 जून की रात 2 बजे हनुमान राम बावरी और उसके बेटे किशोर और दयाल तीनों ने बैठकर शराब पी। तीनों में आपसी व पारिवारिक बातें हो रही थी, अचानक दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। शराब के नशे में आवेश में आकर बड़े भाई दयाल ने पिता को जला दिया। मामले में पुलिस ने हनुमान राम के बड़े बेटे दयाल राम को राउंडअप किया है। आरोपी जेसीबी ड्राइवर है, जो आदतन शराबी बताया जा रहा है। इससे पहले भी उनमें विवाद की खबरें आई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ठाकुर बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में है। सोमवार की सुबह करीब 9:45 बजे कृष्णा कुटीर के समीप बनाए गए हेलीपैड पर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उतरा। यहां उनका स्वागत प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हो गए। मंदिर में आम भक्तों का प्रवेश रोक दिया गया। राष्ट्रपति का आगमन होते ही लोकल फोर्स और अधिकारी हटाकर राष्ट्रपति के लिए आई सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाल ली। जो जहां है उसे वही रोक दिया गया।
राष्ट्रपति के स्वागत को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में खास इंतजाम किए गए। मंदिरों को फूलों से सजाया गया। राष्ट्रपति के मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही वेद मंत्रोच्चारण के मध्य स्वागत किया गया। इसके बाद गर्भगृह के सामने वीआईपी गैलरी में पहुंचे। पूजन में राष्ट्रपति जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी को इत्र, गुलाब, फूल एवं मिठाई निवेदित किया। ठाकुर जी देशी विदेशी फूलों की छाव में विराजमान होकर दर्शन दिए। राष्ट्रपति काफी देर तक ठाकुर बांके बिहारी की मनोहरी छवि निहारते रहे। दर्शन के दौरान कृष्णा कुटीर की 5 माताएं भी मंदिर में मौजूद रही। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने संसद भवन पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया है। सिन्हा के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, द्रमुक के ए राजा और नेका नेता फारूक अब्दुल्ला सहित कई शीर्ष विपक्षी नेता मौजूद थे। बता दें कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पिछले हफ्ते ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी है। बता दें कि अगला राष्ट्रपति निर्वाचित करने के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा तथा मतगणना 21 जुलाई को होगी। इस चुनाव में सांसदों और विधायकों वाले निर्वाचक मंडल के 4,809 सदस्य मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ कई राज्य विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के संख्याबल के मद्देनजर पार्टी आगामी चुनाव में अपने उम्मीदवार की जीत आसानी से सुनिश्चित करने की स्थिति में है। इससे पहले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने रविवार को कहा था कि अगले महीने होने वाला राष्ट्रपति चुनाव व्यक्तिगत मुकाबले से कहीं अधिक है और सरकार की तानाशाह प्रवृत्तियों का विरोध करने की दिशा में एक कदम है। सिन्हा ने कहा कि वह अपने बेटे एवं भाजपा सांसद जयंत सिन्हा का समर्थन नहीं मिलने को लेकर किसी धर्म संकट में नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अपने राजधर्म का पालन करेगा और मैं अपने राष्ट्रधर्म का पालन करूंगा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को बर्बाद कर देगी, उनकी शादी भी नहीं होगी, इस योजना से सेना का सम्मान भी घटेगा, इसलिए वह पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर उनको समझाएंगे जिससे इस योजना को वापस लिया जा सके। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत नौकरी करने वाले युवा 4 वर्ष बाद वापस आकर अपने घर बैठ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद यह तय नहीं है कि उनको किसी अन्य जगह नौकरी मिलेगी, इससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इस योजना को लेकर युवाओं में गुस्सा बढ़ा हुआ है, यह योजना युवाओं के हितों पर कुठाराघात है, सरकार को इस योजना के बारे में फिर से सोचना चाहिए। मलिक ने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति नहीं करेंगे और किसानों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। वह कश्मीर का सच नाम से पुस्तक लिखेंगे। पुस्तक में उनके राज्यपाल रहते हुए कश्मीर की जनता के साथ के अनुभवों का साझा करेंगे। उनके रहते कश्मीर में शांति रही, एक गोली तक सेना को नहीं चलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना होगा, ऐसा नहीं किया तो किसान फिर से आंदोलन करने को विवश हो जाएगा। महाराष्ट्र संकट पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा जरूरी है, गवर्नर सभी स्थितियों पर नजर रखे हुए है। जल्द ही राजस्थान से निकलने वाले हाईवे हाईटेक होने वाले हैं। इन पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम लागू होने वाला है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। राजस्थान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बना रहा है जहां एक भी टोल बूथ नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि व्हीकल के ओनर को उतने ही रुपए देने होंगे जितना वह हाईवे पर चला है। इसकी शुरुआत राजस्थान से गुजरने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से होगी। पंजाब के अमृतसर से शुरू होकर गुजरात के जामनगर तक बन रहा यह ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान से भी जुड़ेगा। इसकी कनेक्टिविटी पंजाब, हरियाणा और अरब सागर के बंदरगाह तक भी होगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राजस्थान में कुल लंबाई 637 किलोमीटर है, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 1224 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ये राजस्थान का सबसे बड़ा डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे बन जाएगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर कर्व और मोड़ बहुत कम है। वर्तमान में 6 लेन वाले प्रोजेक्ट का राजस्थान में 64% काम पूरा हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 14,707 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2023 तक पूरा करने का टारगेट है। G7 देशों के जर्मनी शिखर सम्मेलन में पहुंचे विश्व के कुछ नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हंसी उड़ाई। पुतिन की बगैर शर्ट पहनी तस्वीर काफी वायरल हो रही है। तो 2013 में पाकिस्तान की जेल में कैदियों की और से बहरमी से पिटे जाने के बाद मारे गए सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का निधन हो गया है। वही भारत में अमेरिकी दूतावास ने विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के वीजा इंटरव्यू के लिए आवेदन मांगा है। इस बीच रूस
1998 के बाद पहली बार दिवालिया होने के कगार पर है। तो उधर चीन लगातार ताइवान को डराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। G7 देशों के जर्मनी शिखर सम्मेलन में पहुंचे विश्व के कुछ नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हंसी उड़ाई है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पुतिन का मखौल इसलिए उड़ाया क्योंकि हाल ही में उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वे बगैर शर्ट पहने घुड़सवारी करते नजर आए हैं। पुतिन की बगैर शर्ट पहनी तस्वीर काफी वायरल हो रही है। क्रेमलिन द्वारा जारी तस्वीरों में पुतिन अक्सर बगैर शर्ट के दिखाई देते हैं। उनकी इस तस्वीर को जारी करने का मकसद उनकी मजबूत छवि पेश करना है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति एक कुशल ताइक्वांडो खिलाड़ी भी है। यूक्रेन के क्रीमिया पर आक्रमण के बाद 2014 में रूस को G8 से बाहर कर दिया गया था। मौजूदा G7 देशों में अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान शामिल है। G7 देशों की जर्मनी की अध्यक्षता में यह शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब रूस यूक्रेन के बीच बीते 5 माह से जंग जारी है। इस शिखर बैठक के दौरान रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले और तेज करने की भी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 देशों के नेताओं से आह्वान किया कि वे रूस से सोने के आयात पर भी पाबंदी लगाए। रूस दुनिया भर में अरबों डॉलर का सोना निर्यात करता है। अमेरिका व नाटो देशों ने रूस पर कमरतोड़ पाबंदियां पहले से लगा रखी है ताकि वह यूक्रेन जंग रोके, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। 2013 में पाकिस्तान की जेल में कैदियों की ओर से बेरहमी से पीटे जाने के बाद मारे गए सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का निधन हो गया है। वह 67 वर्ष की थी। दलबीर कौर उस समय सुर्खियों में आई जब उन्होंने पाकिस्तान की जेल से अपने भाई की रिहाई के लिए अभियान चलाया था। सरबजीत 1991 से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बम विस्फोटों में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद थे। परिजनों के अनुसार कौर ने शनिवार रात सीने में तेज दर्द की शिकायत की थी और उन्हें अमृतसर में एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सरबजीत सिंह की बेटी पूनम ने बताया कि दलबीर पिछले एक साल से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रही थी। जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी हालत गंभीर है। उन्हें ICU में रखा गया और कुछ देर बाद वेंटिलेटर पर रखा गया। दलबीर को कुछ घंटों बाद मृत घोषित कर दिया गया। अप्रैल 2013 में लाहौर जेल में कैदियों की ओर से किए गए हमले के 6 दिन बाद सरबजीत सिंह की मौत हो गई थी। जेल में सरबजीत पर ईंटों और अन्य धारदार वस्तुओं से हमला किया गया था और उनकी पीठ व सिर में चोटें आई थी। वह कोमा में चले गए थे। सरबजीत को पाकिस्तानी अदालत ने आतंकवाद और जासूसी करने का दोषी ठहराया गया था। 1991 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने 2008 में अनिश्चितकाल के लिए उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी। भारत में अमेरिकी दूतावास ने विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के वीजा इंटरव्यू के लिए आवेदन मांगा है। ऐसे भारतीय छात्र जिन्हें अगस्त के मध्य तक परिसर में आने की जरूरत है उनके लिए वीजा बुकिंग उपलब्ध है। दूतावास ने कहा कि वीजा साक्षात्कार स्लॉट अब उन छात्रों के लिए बुकिंग के लिए उपलब्ध है जिन्हें अगस्त के मध्य तक स्कूल पहुंचने की आवश्यकता है। जिन छात्रों ने FM और J वीजा कैटरिंग के लिए आवेदन किया है और जिनके पास I-20 है वह अपना इंटरव्यू स्लॉट बुक कर सकते हैं। इनका इंटरव्यू 14 अगस्त के बाद होगा। अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। यह घोषणा केंद्र द्वारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कुछ अन्य देशों से भारतीय नागरिकों के लिए छात्र वीजा को सुव्यवस्थित करने का आग्रह करने के बाद आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि देश छात्रों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को और आसान बनाने और तेजी से ट्रैक करने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले बीते महीने अमेरिकी दूतावास ने छात्रों से कहा था कि अगर वह पहली बार में वीजा अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाए हैं तो घबराए नहीं, उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। एक घोषणा में कहा गया है कि अगर आपके वीजा के लिए पहले इनकार कर दिया गया था तो आप अगस्त में ओपन अपॉइंटमेंट का इंतजार कर सकते हैं। उस समय आपके पास साक्षात्कार देने का दूसरा मौका होगा। बीते साल रिकॉर्ड 62,000 छात्रों को वीजा जारी किया गया था। रूस 1998 के बाद पहली बार दिवालिया होने के कगार पर है। $100 मिलियन ऋण ब्याज भुगतान के लिए उसके पास रविवार रात तक का वक्त है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास पैसा है, वह भुगतान करने को भी तैयार है, मगर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वह अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ है। अगर रूस कर्जों की समय पर अदायगी में नाकाम रहता है तो साल 1998 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि वो डिफॉल्ट करेगा। जैसे मौजूदा हालात हो चुके हैं, यह लगभग तय हो चुका है कि जल्द ही रूस को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। विदेशी मुद्रा में लिए गए कर्ज को चुकाने के मामले में भी साल 1917 की क्रांति के बाद ये रूस पहली बार डिफॉल्टर होने जा रहा है। उस दौरान बोल्शेविक सरकार ने कर्जों को चुकाने से इनकार कर दिया था। रूस के वित्त मंत्रालय ने पहले एक बयान में कहा
कि यदि आवश्यक आधार है तो मॉस्को यूरोबॉन्ड पर ऋण दायित्वों की पूर्ण पूर्ति के भुगतान करने पर विचार करने के लिए तैयार है। यूक्रेन पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद मॉस्को के लिए अपने विदेशी ऋणों को चुकाना मुश्किल हो चुका है। आखिरी बार 24 साल पहले रूस अपने कर्ज चुकाने में नाकाम रहा था। रूस की आर्थिक स्थिति में गिरावट के कारण तब वैश्विक वित्तीय बाजार बेहद प्रभावित हुए थे। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक अभी यदि रूस डिफॉल्ट करता है तो ये सांकेतिक रूप से तो अहम होगा, लेकिन इसका कोई वास्तविक असर शायद ही हो। चीन लगातार ताइवान को डराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में चीन ने 29 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजे, लेकिन ताइवान चीन की इस हरकत से नहीं डरा, बल्कि उसने उल्टे अपने जहाजों से चीन की एयरफोर्स को खदेड़ दिया। मई के बाद से ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में ये चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चीन की इस घुसपैठ में 17 लड़ाकू विमान, 6 बमवर्षक और अन्य सहायक विमान थे। इससे पहले भी चीन द्वारा 30 मई को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 30 लड़ाकू विमानों ने दक्षिण पश्चिम एयर डिफेंस जोन में प्रवेश किया था। इस बार चीनी लड़ाकू विमानों की जानकारी मिलते ही ताइवान के एयर डिफेंस फोर्स हरकत में आ गई और गश्त कर रहे लड़ाकू विमानों को तुरंत चेतावनी देने के लिए भेजा गया। ताइवान ने रेडियो के जरिए भी चीनी पायलटों को चेतावनी देकर अपने इलाके से दूर जाने को कहा। इसके बाद ताइवानी विमानों को पास आता देख चीनी लड़ाकू विमान अपनी सीमा में भी भाग खड़े हुए। बता दें कि ताइवान चीन के करीब ही एक स्वशासित द्वीप है, जिस पर वह अपना दावा करता है। ताइवान ने पिछले 2 साल में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर दुनिया से शिकायत की है। ताइवान का कहना है कि पिछले 2 साल में चीन की वायुसेना बार बार दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करती रही है। इस साल की सबसे बड़ी घुसपैठ जनवरी में हुई थी, जब 39 एयरक्राफ्ट ताइवान में घुसे थे। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।